फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की, श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच और तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रद्धा के दोस्त राहुल और गोडफिंडे से। दरअसल पूछताछ की जा रही है, पुलिस ने आफताब के फ्लैट से श्रद्धा के कपड़े को भी बरामद किया है। श्रद्धा के कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस वक्त की ताजी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मेहरोली के जंगल में सर्च अभियान के दौरान एक बड़ी हड्डी भी बरामद की गई है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल में भी जांच कर रही है पुलिस। आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि फ्लैट से श्रद्धा के कपड़े भी कब्जे में ले लिए गए हैं, फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। इस वक्त की ताजी जानकारी, हालांकि जांच तेज कर दी गई है, तो श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने छानबीन को तेज कर दिया है। और इस वक्त अगर बात करें तो आफताब, श्रद्धा और इनके दोस्तों की चैट्स और रिट्रीव करने में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। जो चैट्स थी उसमें आखिर क्या था वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कत्ल के दिनों के दौरान की गई चैट रिट्रीव की जा रही है ताकि और जानकारियां हासिल हो पाए। पुलिस ने अलग अलग मैसेजिंग ऐप को चिट्ठी लिखकर चैट की डिटेल की जानकारी भी मांगी है। आपको बता दें कि श्रद्धा आफ्ताब के फोन की पास लोकेशन का पता लगाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि 18 मई को जब कत्ल के दिन से पहले और बाद की लोकेशन की जानकारी भी हासिल कर ली जाएगी। आफ्ताब ने इंटरनेट पर क्या क्या सर्च किया था जानने के लिए गूगल को पुलिस ने चिट्ठी लिखी है, जैसे डेटिंग ऐप बबल को चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि मर्डर मिस्ट्री में क्या क्या खुलासे हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। मुंबई में किराए पर फ्लैट लेते समय आफ्ताब श्रद्धा ने खुद को पति पत्नी था जबकि वो लिविन में रह रहे थे। हालांकि खुद को पति पत्नी बताकर दोनों ने रेंट एग्रीमेंट तक बनवाया था, ये भी खुलासा इस वक्त हुआ है।